आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एक्सप्लोरिंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम बात करें, काफी लंबे समय से आप जिसका इंतजार था आज वो आपको फाइनली देखने को मिल रहा होगा, जिसकी बात करते हैं हम थर्ड लिस्ट की। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी है URET की 2022 की जो एंट्रेंस एग्जाम लगी थी उसकी फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो उसकी एडमिशन प्रोसेस पूरी कम्प्लीट हो चुकी है। उसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड लिस्ट की, थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। जी हाँ, थर्ड लिस्ट जारी हो चुकी है, क्या होने वाली है इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ओपन एडिशन क्या होते हैं इसके बारे में भी हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। ओपन एडिशन आपको दिख रहा होगा, डायरेक्ट एडिशन आप ले सकते हो, तो इसके बारे में हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे कौन कौन ओपन एडिशन ले सकते हैं और किस किस सब्जेक्ट में ओपन एडिशन होंगे। इसी के साथ हम बात करते हैं जो PG और UG दोनों के ही थर्ड लिस्ट आएगी, UG और PG दोनों की थर्ड लिस्ट आएगी। तो ये वीडियो दोनों के लिए ही, UG वालों के लिए और PG वालों के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और इससे पहले मैंने बताया था कि जो थर्ड लिस्ट है वो आएगी जरूर, बट हर सब्जेक्ट की आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन थर्ड लिस्ट आएगी चाहे वो कुछ ही सब्जेक्टों की आए। और ऐसा ही हुआ है, हर सब्जेक्ट की थर्ड लिस्ट नहीं निकाली गई है, कुछ ही सब्जेक्ट हैं जिनमें थर्ड लिस्ट निकाली गई है। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में थर्ड लिस्ट आई है, पूरी बात डिटेल से बताएंगे। तो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। राजस्थान यूनिवर्सिटी और सेगावट यूनिवर्सिटी की ऑल इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिलती रहेगी, तो ये वीडियो हम लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपकी बात में समझ में आएगा कि क्या प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले हम बता दें, राजस्थान विश्वविद्यालय जो जयपुर है उसकी URET 2022 की जो एंट्रेंस एग्जाम लगी थी उसकी जो थर्ड लिस्ट है वो कब जारी होगी। तो थर्ड लिस्ट है वो जारी होगी 10 तारीख 10/10/2022 को इसकी जो थर्ड लिस्ट है वो जारी हो चुकी थी, वो साइट पे मिल जाएगी। और इसकी कट ऑफ क्या रहेगी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको अगर आपको समय पे अगर आपको ध्यान नहीं पड़ता है साइट पे कहाँ मिलती है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं मैथ्स एक्सप्लोरिंग, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हम बात करें दस्तावेज, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, दस्तावेज वेरिफिकेशन या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, उसकी जो डेट रहेगी वो 11/10/2022 से 12/10/2022 रहेगी, यानी कि 2 दिन 11 तारीख और 12 तारीख आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिए जाएंगे। तो आप डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार करके रखें जिनको ऐसा लगता है कि थर्ड लिस्ट में नंबर आएगा या नहीं आएगा। विशेष कर ध्यान रखें, जो वेटिंग लिस्ट में है उनकी थर्ड लिस्ट आएगी भी नहीं, उन वेटिंग लिस्ट वालों को ही ले लिया जाएगा थर्ड लिस्ट के अंदर। और बात करते हैं ऑनलाइन शुल्क की, ऑनलाइन शुल्क की बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये थर्ड लिस्ट आएगी किन लोगों की। ये थर्ड लिस्ट उन लोगों की आएगी जो फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करा पाई या किसी कारणवश वो उसमें एडमिशन नहीं ले पाई। पहले वरीयता उनको दी जाएगी जो फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट में है। और आप अगर किसी फॉरम में डॉक्यूमेंट्स करेक्शन हो चुका है, अगर आपका करेक्शन करने की मतलब आपने अगर फर्स्ट लिस्ट है उस फर्स्ट लिस्ट में आपने डॉक्यूमेंट जमा कराए, उन डॉक्यूमेंट्स में आपके कुछ करेक्शन था, या फिर किसी ने MA की जगह MSc भर दिया, या फिर MSc की जगह MA भर दिया, फिर MCOM की जगह MA भर दिया, उन सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि कल 8/10/2022 को वो डॉक्यूमेंट्स क्या करवा ले, सबमिट करवा ले, उसमें करेक्शन है वो करेक्शन करवा ले, उसकी भी इस थर्ड लिस्ट में क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। उन लोगों जो करेक्शन नहीं हुआ, करेक्शन है वो करेक्शन करवा ले, ताकि उनको भी थर्ड लिस्ट में क्या किया जा सके, शामिल किया जा सके। जिन्होंने कुछ गड़बड़ी की जिसके कारण से उन्हें फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट में उसका नाम नहीं आया है, वो करेक्शन करवा ले 8/10/2022 में, डिपार्टमेंट में जाके अपने अपने डिपार्टमेंट से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां से जाके आप क्या कर सकते हैं इसका जो वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और शुल्क, ऑनलाइन शुल्क की जो डेट रहेगी वो 13/15 रहेगी, 13/15/2022 रहेगी, यानी कि आप 2 दिन इसका क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हो 13/14/15 अपने अपने डिपार्टमेंट से, जिस जिसकी थर्ड लिस्ट आएगी उस डिपार्टमेंट में जाके आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हो। और इसकी जो ऑनलाइन शुल्क रहेगी वो 13/15/2022 तक आप क्या कर सकते हो, जमा करवा सकते हो। इसी के साथ हम बात करते हैं इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, तो कट ऑफ में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ 1-2 पॉइंटों का फर्क पड़ने वाला है और इससे ज्यादा कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है।
इससे पहले ब्रेक इस कारण से नहीं पड़ेगा कि कुछ चीज और सीटें हैं वो खाली है, बट उनको भी वरीयता पहले किसमें किसको दी जा रही है, जो फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट में जिनका नंबर आ चुका है उनको पहले वरीयता दी जा रही है। वरीयता इसलिए दी जा रही है कि इसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी रह गई है, तो अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट वाले तो वो ले सकते हैं करेक्शन करवा के, बट उसके बाद में जो बचेंगी सीटें उसको अन्यता को दी जाएगी। इसलिए कट ऑफ है वो आपको सेकंड लिस्ट है, उस सेकंड लिस्ट से 1% या फिर कुछ पॉइंट कम करके आप अपना एड्रेशन करेक्शन करवा सकते हैं और आप दे सकते हैं, यानी कि सेकंड लिस्ट की जो अकॉर्डिंग है वही जाएगी इसकी कट ऑफ। तो कट ऑफ के बारे में आप जान चुके हो, ऑनलाइन शुल्क है वो 13 से 15 हो जाएगा। थर्ड लिस्ट है वो 10 तारीख को जारी होगी आपकी, जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो या फिर मेन वेबसाइट आपको दिख जाएगी शाम 4 बजे तक। शाम 4:30 बजे तक आपको क्या देंगी, थर्ड लिस्ट जारी हो जाएगी साइट पे। और हम बात करते हैं ओपन एडमिशन। ओपन एडमिशन आप सभी कुछ कोई भी स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो एडमिशन ले सकता है ओपन एडमिशन के अंदर। ये है ओपन एडमिशन का मतलब, ये अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में फीस देके एडमिशन लेते हो उसी प्रकार से आप इसमें भी क्या कर सकते हो, फीस देके एडमिशन ले सकते हो, लेकिन इसमें कुछ सीमित सीटें हैं, 2, 3 या 5 या कुछ ही डिपार्टमेंट में इनमें क्या सीटें हैं। तो हम डिपार्टमेंट की बात करेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में सीटें हैं जिसकी वजह से क्या कर सकते हो आप ओपन एडमिशन ले सकते हो। पहले हम बता दें ओपन एडमिशन का जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट कौन से, एक तो बायोटेक है, एक तो बायोटेक है, एक एमएससी एमटी एक है, एक बायोलॉजी है। इसी फील्ड में है ये तीन है, एक तो बायोटेक है, एक एमएससी एमटी है, एक एमएससी बायोलॉजी है। इन तीन सब्जेक्टों के अंदर डिपार्टमेंट से नोटिस आया है कि वो ओपन एडमिशन ले सकते हैं, जिनकी फीस है, इनकी जो फीस रहेगी वो लगभग 76,000 कुछ है, यानी कि 76,000 कुछ है, 100-200 रुपए ऊपर भी है, इतनी इसकी फीस रहेगी पर सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की, यानी कि पर ईयर 76,000 इसकी फीस रहेगी, वो आपको जमा करवानी होगी। और भी अगर आपको ओपन एडमिशन किसी अन्य डिपार्टमेंट से अगर आपको देखने को मिलते हैं हमारे पास नोटिस आता है तो हम आपको तुरंत सूचना कर देंगे। इसकी भी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और जो ऑनलाइन फॉर्म डेट रहेगी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे ओपन काउंसलिंग के लिए डायरेक्ट एडमिशन के। तो गाइस जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई ओपन एडमिशन लेना चाहते हैं वो ओपन एडमिशन ले सके। तो हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट डेट की। डॉक्यूमेंट डेट रहेगी वो इसकी भी 11 और 12 तारीख रहेगी, 11 तारीख और 12 तारीख इसकी भी ओपन डॉक्यूमेंट डेट रहेगी, 11 तारीख 12 तारीख 10/2022 को। और जो फीस है ऑनलाइन डेट, फीस ऑनलाइन डेट है वो 13 से 15 के बीच में रहेगी, यानी कि 13, 14 और 15 तारीख को 3 दिन आप क्या कर सकते हो ऑनलाइन फीस जमा करवा सकते हो, सेम यही प्रोसेस रहेगी। और उसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि जो भी डिपार्टमेंट में इनमें क्लासेस कब से चालू होगी वो बात हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जैसे ही सूचना आती रहेगी उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हर डिटेल से बताते रहेंगे। जो गाइस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, अपने फ्रेंड्स को बताना कि ओपन एडमिशन भी होता है यूनिवर्सिटीज के अंदर, जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अगर और भी डिपार्टमेंट से आपको नोटिस देखने को मिलेगा तो हम और डिपार्टमेंट से आपको नोटिस बताएंगे। ये सिर्फ 3 ही सब्जेक्टों में आपको अभी ओपन एडमिशन हो रहे हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इनमें भी ओपन एडमिशन होंगे तो हम आपको तुरंत सूचना देंगे, आप भी अपना ओपन एडमिशन ले सकते हैं।